यमुनानगर में दो पक्षों का मामूली विवाद पहुंचा थाने। एक पक्ष सुरजीत सिंह ने दूसरे पक्ष पर लगाया मारपीट व अभद्रता का आरोप व सिविल से MLR व अन्य डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध। वहीं दूसरे पक्ष के एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अमी माकड़, जिनका कहना है कि वो अपनी दुकान पर नहीं थे, वह छत पर बैनर लगाना था, जिस कारण उनका 14 वर्षीय बेटा व दुकान में काम करने वाला लड़का छत पर गए, लेकिन दुकान मालिक सुरजीत सिंह ने अभद्रता की व उनके बेटे को गाली दी। वही सुरजीत सिंह का कहना है कि उनकी दुकान की छत के साथ 20 फुट की दीवार लगती है, वो सीढ़ी लगाकर तब उनकी छत पर पहुंचे जब वो दुकान पर नहीं थे। वह ऐसे में उन्हें ना ही फोन करके पूछा गया व ना ही परमिशन ली गई। इस तरह दोनों पक्ष इस मामूली विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आए, जबकि इस विवाद के पीछे वजह बेहद छोटी है। बड़ी बात यह है कि विवाद भी गांधी नगर चौकी पहुंच गया है व पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर ये तो सबसे पहली बात तो ये तो कह रहे हॉस्पिटल पर है, ये तो हमारे साथ अपनी शॉप है, हमारे एक्चुअल हमारे पिताजी की शॉप है, संसारी की शॉप है, तो मैं अभी नहीं था ना, मेरे पिताजी थे, मेरा एक 14 साल का लड़का और साथ में एक जो सर्वेंट हमारी दुकान पर काम करते हैं, हम वो दोनों दुकान पर बैठे हुए थे। और इसकी दुकान से एक दुकान पहले हमारी दुकान की छत के ऊपर कोई बैनर लगाने के लिए आए होंगे, जैसे हमारे को बताया गया बैनर लगाने के लिए आए होंगे, तो बैनर लगा रहे थे। बैनर लगाने के बाद हम अशोक, इसकी है अशोक कंबोज की दुकान है, उसी दुकान पर चढ़ गए, जो थोड़ी बहुत कीलें थी वो लगाने लगे होंगे वो। और जैसे ही ये आया, इसकी दुकान बंद थी, दुकानें तो दोनों ही नहीं खुल रखी थी, जैसे ही ये दुकान पर आया और आकर इसने बोला कि अभद्र व्यवहार, बच्चे के साथ मेरा 14 साल का लड़का है, उसको उसने अभद्र व्यवहार किया, उसके गाली गलौज की, माँ बहन की गाली वगैरह निकाली, मेरे लड़के जो दुकान पे काम करता है लड़का है, उसको नीच जाति के बहुत अभद्र व्यवहार, जो अनुसूचित जाति का बोला जा रहा है वो बोला इसने, तो वो बेचारे कुछ नहीं बोले, वो आकर नीचे बैठ गए कि ऐसे ऐसे बात है पापा, मेरे को उन्होंने ना मारा और साथ में अभद्र व्यवहार किया और इसको भी गंदी गंदी गाली निकाल दी। हम लोग इसको समझाने के कि बेटे को चलो ठीक है जो भी बात है, मैं ही अकेला गया था, कोई साथ कोई ऐसा नहीं, कोई गया होगा साथ में, मैं अकेला गया था, अगर ऐसे भी बेटे को तुमने गाली निकाल ली है, किस कारण निकाल लिया, तो ठीक है तुम्हारी छत नहीं है, इतना बोला और क्या किया हम लोग आगे। उसके बाद इन्होंने नेचुरली ये पहले हमारे लोगों से नेचुरली हम लोगों को सुंदर कर, तो इस बिहार पे आके इसने हमारे साथ मारपीट की, साथ में दो अन्य दुकानदारों को, एक दुकानदार हो रहा उसको और उसके लड़के को साथ बुला लगा, हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हमने चलो हम यार हमें एक रेपुटेटेड करते हैं, हम चाहते नहीं कि हमारा वो है, तो हमें तो अब पता चल रहा है कि इसने ये ऐसे ऐसे नाम लिखवाया, बल्कि हमने एक पर्चा दर्ज करवा रखा है, FIR लिख वो एप्लीकेशन दे रखी हुई है गांधीनगर में कि ऐसे ऐसे मारपीट की गई है, तो देखो ऐसे जो साहब क्या कहते हैं क्या नहीं है उस बारे में। तो सर मैं कल 12:30 बजे दुकान पर आया हूँ, तो मेरी छत पर पानी खड़ा हो जाता है, मैं छत खोल ताला खोल के जब ऊपर गया, इनका नौकर जो और एक लड़का बंदा और दुकान पे था मेरे, मेरी दुकान से 20 फुट की दीवार पड़ती है इनकी। मैंने इनसे पूछा भैया मेरी दुकान पे क्यों आए और किससे पूछ कर आए हो, तुम अपनी दुकान पे चलो भैया, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस इसी की बात। ये 12:30 बजे की बात है, इन्होंने मेरे साथ मारपीट 5 बजे की, चारों लड़के बुलाकर, एंटी करप्शन इनकी वो बनी हुई एसोसिएशन है, चारों लड़के उसी के थे। तो आपने पूछा नहीं कि भाई आपके साथ ऐसी मारपीट क्यों की जा रही है? पूछने का मौका नहीं दिया, आपकी मारपीट शुरू कर दी दुकान पे। यहाँ दूसरे पक्ष का कहना है कि उनका 14 साल का लड़का है और उनका नौकर है जो आपकी छत पे या आपकी छत के साथ वाली छत पर कोई बैनर लगाने के लिए गए थे। सर मेरी अगर छत पे कोई, मैं उनकी छत पे कैसे चढ़ जाऊंगा, 20 फुट की दीवार है। अच्छा आपका कहना है कि 20 फुट की दीवार कूद के आपकी छत पे, कूद के नहीं, सीढ़ी लगी हुई थी लोहे की सर। अच्छा सीढ़ी से आए हैं, बैनर टंगा है, अगर आप ये किसी को बुला के देख लीजिए, वो बैनर नीचे मेरी दुकान पे आए बगैर वो इनका हुक हो ही नहीं सकता, कैसे हुक हो जाएगा। अच्छा आपको आपत्ति है कि आपकी दुकान पे बिना पूछे आपकी क्यों दुकान गए, क्यों गए? फोन करके पूछते हैं मुझे, यही बात के लिए मैंने इनको टोका है और यही बात ये इसी बात पे विवाद हुआ, यानी कहेंगे छोटी सी बात विवाद का कारण है। इन्होंने मारपीट की दुकान पे, ये LED तोड़ी है, ये पंखा तोड़ा है, एक मोबाइल तोड़ा है मेरा। अच्छा जी चश्मा तोड़ा मेरा, चश्मा पड़ा है, मैंने चश्मा नया डाला है,